स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल फिनस्ट्रीट पे। वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी अभी भी अगर हम बात करें तो वो है बिटकॉइन। बट कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो इसके अदर टोकन से बिल्कुल अलग है, यानी कि बिल्कुल जो दूसरे टोकन फंक्शन करते हैं ये नहीं करता। एंड ये फंक्शंस होते हैं इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। बट क्या हो अगर आपको एक्सेस मिल सकता है बिटकॉइन का इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर? जी हाँ, ये आइडिया है बिहाइंड रैप्ड बिटकॉइन यानी कि WBTC से, यानी कि जो है रैप्ड बिटकॉइन, ये बेस्ड है बिटकॉइन के ऊपर बट ये चलता है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर। ये दोनों सुनने में काफी ज्यादा अलग है लेकिन काफी ज्यादा सिमिलर भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाती है और आपके लिए जानना है बेहद जरूरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो के साथ। रैप्ड बिटकॉइन जो है ये ERC20 टोकन है जो पैक्ड है BTC से, जो अपने यूजर्स को इनेबल करता है ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके डिसेंट्रलाइज्ड एप्स यानी डैप्स में एंड डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी कि डीफाई में। अब क्योंकि ये फर्स्ट एवर क्रिप्टो करेंसी है तो बिटकॉइन जो है ये अपने यूजर्स को ऑफर करते हैं कुछ इनक्रेडिबल एडवांटेजेस देती है, जो कि कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड भी है, ट्रांसपेरेंट भी है एंड ओपन सोर्स भी है। लेकिन ये इसका जो ब्लॉकचेन है जो भी एस्टेब्लिश हुआ है इसके एडवेंट से पहले, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी से पहले ही वो हुआ है, तो इस चीज से क्या होता है ये इसको इम्पॉसिबल बना देता है बिटकॉइन के लिए कि वो अपने यूजर्स को डायरेक्टली लेटेस्ट डिसेंट्रलाइज्ड जो एप्स हैं एंड डैप्स हैं वो प्रोवाइड करे। इस चीज के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल बन जाती है ये चीज बिटकॉइन के लिए। अब उसके कॉन्ट्रेरी अगर रैप्ड बिटकॉइन की मैं बात करूं तो ये सोल्यूशन है इसी चीज का, इसी प्रॉब्लम का। ये जो BTC है ये रैप्ड है इथेरियम के साथ, जो इसे कॉम्पेटिबल बनाती है इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। यानी कि अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं तो जो WBTC है ये इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोकन है ERC20 स्टैंडर्ड का, जो ट्रैक करता है बिटकॉइन के प्राइस को। मतलब कि आप इसे परचेज कर सकते हैं बिटकॉइन के साथ @1:1 से। बात करें दोनों के डिफरेंस की तो पहला तो ये है कि जो बिटकॉइन है, जैसे कि हमें पता है कि क्रिप्टो करेंसी है जो कि नेटिव है बिटकॉइन ब्लॉकचेन से, वहीं रैप्ड बिटकॉइन की अगर बात करें तो ये इथेरियम बेस्ड टोकन है जिसकी जो वैल्यू है वो टाई होती है डायरेक्टली टू दैट ऑफ बिटकॉइन से। अब जो रैप्ड बिटकॉइन है ये एक ERC20 टोकन है जो बिटकॉइन को ही ट्रैक करता है और इससे बहुत ज्यादा इजी बना देता है अपने होल्डर्स के लिए, ताकि वो लेटेस्ट डैप्स का यानी डिसेंट्रलाइज जो एप्लीकेशंस है उनका एडवांटेज उठा सके। रैप्ड बिटकॉइन की बात करें तो ये आल्सो आपको ऑफर करता है होस्ट ऑफ यूजेस विद इन द डीफाई स्पेस, जिसमें इंक्लूड है यील्ड फार्मिंग। अब क्योंकि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, हमें पता है कि इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर चलता है और ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही लंबे समय से आ चुकी है, जब से बिटकॉइन जो है ये लॉन्च हुआ था 2009 में, काफी लंबा सफर इसने तय कर लिया। तो जो इंट्रोडक्शन है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की, प्रूफ ऑफ स्टेक यानी POS कंसेंसस मैकेनिज्म्स की एंड अदर इनोवेशंस की, वो सारे इसी के साथ आए हैं। न्यू पॉसिबिलिटीज का जो रास्ता है वो खोलते हैं ब्लॉकचेन स्पेस के लिए। बट बिटकॉइन में एक कमी है, वो ये है कि लैक ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी है जो कि BTC होल्डर्स को थोड़ा ठंडा डाल देती है। अगर बात लेटेस्ट डीफाई की हो एंड गेमफाई एप्लीकेशंस की हो तो उतनी फैसिलिटीज ये बिटकॉइन प्रोवाइड नहीं कर पाता। वही रैप्ड बिटकॉइन क्रिएट हुआ है इसी सिचुएशन को रेक्टिफाई करने के लिए, सही करने के लिए, क्योंकि ये एक तरह से ऑफर करता है अपने बिटकॉइन होल्डर्स को ताकि वो क्रिप्टो करेंसी को यूज कर सके इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी कि होम टू ओवर 3000 डैप्स के साथ। इसलिए जो रैप्ड बिटकॉइन है इसका एम है कि ऑफर करना चाहता है कुछ वैल्यू बिटकॉइन की अलॉन्ग विद द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन इथेरियम बेस्ड टोकन। अब बिटकॉइन की पहले अगर बात करें तो बिटकॉइन वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के द्वारा एंड नेटिव भी है बिटकॉइन ब्लॉकचेन से। तो जब ये लॉन्च हुआ था 2009 में, बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो फ्लक्चुएट होती थी, बट इसको कंसिस्टेंट फिर भी ये रही है एंड आज तक भी ये अपनी मोस्ट पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी से स्टैंड करती है। इवन एक्सेप्टेंस बाय मेजर कंपनीज ने भी इसको एक्सेप्ट किया, जैसे कि स्टारबक्स एंड पेपाल ने। तो हाँ, अगर जब से ये जो बिटकॉइन ब्लॉकचेन है इसमें एक जो कमी है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इंटीग्रेशन की,
उसी कमी की वजह से ये इजीली आप इसको डैप्स के लिए यानी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज नहीं कर सकते, एक ही इसमें कमी है। और रैप्ड बिटकॉइन जो है, क्योंकि ये रैप्ड बिटकॉइन है तो ऑन द अदर हैंड ये एक क्रिप्टो करेंसी भी है जिसे डिजाइन किया गया है इथेरियम ब्लॉकचेन के लिए फ्रॉम द ग्राउंड अप। तो रैप्ड बिटकॉइन जो है ये अपने यूजर्स को ये एबिलिटी ही प्रोवाइड करता है ताकि वो अपने बीटीसी में ट्रेड कर सके ERC-20 टोकन स्टैंडर्ड के साथ, और WBTC जो है जो कि ट्रैक करता है बिटकॉइन के प्राइस को, बट गेन करता है ये एडवांटेजेस जो भी है इथेरियम ब्लॉकचेन के, वो सारे ये गेन करता है, वो सारे अपने यूजर्स को होल्डर्स को प्रोवाइड करता है। रैप्ड बिटकॉइन जो है एक सेंट्रलाइज्ड एलिमेंट्स हैं इसमें, क्योंकि ये मैनेज करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे मैनेज किया जाता है जैसे कि अल्बिट और डाओ, जबकि बिटकॉइन जो है ये एक उससे ऑपोजिट डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी। अब अगर दोनों के डिफरेंस को मिलाकर अगर बात की जाए, अगर आप बिटकॉइन में बिलीव रखते हैं बट ऑल्सो आप ये भी चाहते हैं कि आपको लेटेस्ट डैप्स का एंड डीफाई अपॉर्चुनिटीज का भी एडवांटेज मिलता रहे, तो जो WBTC यानी रैप्ड बिटकॉइन है ये आपके लिए अच्छा सॉल्यूशन है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ये लिंक रखती है बिटकॉइन से, तो आप ट्रैक कर सकते हैं बिटकॉइन के प्राइस को भी एंड इसके साथ ही आप इंजॉय कर सकते हैं रैप्ड बिटकॉइन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शनल्स को। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको बिटकॉइन वर्सेज रैप्ड बिटकॉइन के बारे में बताया, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या वो बताया, और दोनों में आपको क्या क्या एडवांटेज मिल सकते हैं, किस में आपको ज्यादा एडवांटेज मिल रहा है, मैंने दोनों चीजें आपको बताई हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन को कर लीजिए क्लिक ताकि ऐसे ही फ्यूचर में भी आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट अपडेट।